हेलो दोस्तों, हमारे चैनल VS ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्री इंजीनियरिंग टेस्ट और प्री फार्मेसी टेस्ट के लिए आपने अगर एंट्रेंस एग्जाम दिलाया है तो CG व्यापम द्वारा PET और PPST का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से CGPET और CGPPST का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट और प्री फार्मेसी टेस्ट का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको सर्च टैब पर आना है और आकर यहां पर आपको CG व्यापम लिख के सर्च कर देना है। जैसे आप CG व्यापम लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आपको फर्स्ट नंबर पर vyapam.cgstate.gov.in इस प्रकार से एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, आप CG व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं PET और PPST 2021 प्रवेश परीक्षाओं के अंतिम उत्तर एवं परीक्षा परिणाम जारी करने के संबंध में यह जो है नोटिफिकेशन आई है। तो दोस्तों, हमें रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट देखने के लिए आप देख सकते हैं ऊपर के सेक्शन पर, यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ रिजल्ट लिखा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, CG व्यापम में जितने भी रिजल्ट जारी होते हैं इसी सेक्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले PPST 2021 प्रवेश परीक्षा 2021 का फाइनल आंसर है या रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें रिजल्ट लिखा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ लिखा है ऊपर में PPST 2021 एंटर रोल नंबर, यहाँ पर हमें अपना रोल नंबर एंटर कर देना है। तो चलिए, यहाँ पर रोल नंबर एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आपको सबमिट लिखा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका रिजल्ट इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ आपको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन ID, कैंडिडेट नेम, सारा डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका नंबर देखने को मिल जाएगा कि आपको फिजिक्स में कितना नंबर मिला है, केमिस्ट्री में कितना नंबर मिला है और बायोलॉजी में कितना नंबर मिला है। टोटल यहाँ पर दोस्तों आपको तीनों सब्जेक्ट्स मिला के यहाँ देख सकते हैं 43.2 नंबर मिला हुआ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रैंकिंग बताएगा कि आपका जो है ओवरऑल रैंक कितना है। आपका यहाँ देख सकते हैं ओवरऑल रैंक जो है 6623 है, वहीं कैटेगरी रैंक है 3325। दोस्तों, नीचे आएंगे तो आपको टोटल मेरिट रैंक देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे आएंगे तो आपको प्रिंट रिजल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाता है। हमें सेव के बटन पर क्लिक करना है। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सेव कर देना है। इस प्रकार से हमारे जो रिजल्ट है हमारे मोबाइल पे सेव हो गया है। अब इसे हम आसानी से प्रिंट करा सकते हैं और जो है काउंसलिंग में यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, आपको CGPET का भी रिजल्ट डाउनलोड कर लेना है। रिजल्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको रोल नंबर डालना है। जैसे रोल नंबर डालेंगे, आपका सारा डिटेल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, बहुत ही जल्द PPST और PET का काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको काउंसलिंग कैसे कराना है उस बारे में मैं पूरा डिटेल वीडियो आपको लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप हमारे चैनल से बने रहें और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।